भाई ये देखो भाई, छोटा मोटा मेला लगा हुआ इधर, अभी इधर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। लेकिन अभी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैंचो, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉग्स। तो भाई मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद, नहीं तीन दिन बाद मतलब 3 दिन बहुत होते भाई, कहीं गया था। तो आज सुबह आ गया भाई, तो आज मैं ही सोचा इंट्रो शूट कर लूं। दिन था तो आकिब बोला कि इंट्रो मैं शूट कर लूं, तो इसके लिए आकिब इंट्रो शूट कर रहा है। तो देखो दानिश भाई डीसी से मार के घूम के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया भाई। और भाई देखो धान वान की खेती हो गई, स्टार्ट हो गई। तो अभी फिलहाल मतलब धान वन जो है अभी सुखवा रहे इसको, उसके बाद सूखने के बाद फिर इसको कुटाएंगे, इसमें से चावल निकलेगा। ये गाँव वालों को तो पता है, लेकिन और बहुत सारे लोगों को पता नहीं भाई। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दानिश भाई की गाड़ी का पेट्रोल लाने, और इसी में लाना भाई। हाँ तो चलो चलते हैं। और आकिब जा रहा है शायद फार्म पर खाना भी देना पप्पू भाई को, इसको आगे रख लेते भाई। भाई अभी हम लोग लाए थे पप्पू भाई के लिए खाना, देखो खाना उन्होंने ले लिए। और पप्पू भाई क्या हाल चाल, तुम्हारे लिए बहुत कमेंट आता है, तुम्हारे लिए बहुत कमेंट आता है कि पप्पू भाई इतने फेमस हो गए, वायरल लोग इसके बाद भी वीडियो में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों बताओ, वीडियो में आया करो भाई। चलिए फिर मिलते हैं आपसे भाई। पेट्रोल ले आया, अभी दानिश भाई इसको डाल रहे हैं, और ले जा करके इसको फिर ख़त्म कर देना, फिर हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो भाई अभी आ रहा है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, तो आकिब भाई और मैं, हम दोनों लोग देख रहे हैं। इंडिया जीत जाएगी भाई, इंडिया जीत जाएगी, ये तो 100% मुझे भी लग रहा है भाई, इंडिया जीत जाएगी। और फाइनल भी पाकिस्तान के साथ इंडिया जीत जाएगी। फायदा उठाना चाह रहे थे, देखो भाई रोहित शर्मा खेल रहा है, विराट कोहली भाई 17 पे 20, 23 पे 20, 22 पे 22 शर्मा भाई इतना तगड़ा वाला मैच आ रहा था, उसके बाद कुछ जरूरी वाला इंपॉर्टेंट वाला काम पड़ गया, तो उसको छोड़ के जा रहे हैं भाई मैच छोड़ के। तो आके अभी गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट, वो काम भी खत्म करके आते हैं। यहाँ से जाना है काफ़ी दूर, मतलब बोले तो 15-20 किलोमीटर, तो चलते हैं वहाँ से होके आते हैं, फिर मिलते हैं आराम से। फिलहाल निकलते हैं अभी यहाँ से घर के लिए, क्योंकि टाइम देखो सूरज कहाँ पे पहुँच गया भाई, डूबने के कागार पे, मतलब शाम भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आई फिफ्टीन दिखाते हैं आपको। भाई अभी हम ले रहे हैं अपने लिए यहाँ हलवा पराठा, और ले जाकर इसको घर पर खाएंगे आराम से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आके पूजा अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है भाई। भाई पैको करवा लिए, निकलते हैं फिर। ये देखो भाई, छोटा मोटा मेला लगा हुआ इधर, अभी इधर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, लेकिन अभी 3-4 दिन बाद। तो अभी गए घर पहुंच गए भाई। अभी जो इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच था भाई, लगता नहीं कि इंडिया जीत पाएगी भाई, क्योंकि बहुत ही बुरी सिचुएशन है ये, नहीं जाएगी भाई, एक येलो की एक विकेट भी नहीं गिरी, 13 रन चाहिए भाई 33 बॉल पर, मतलब एक भी विकेट नहीं गिरी भाई। तो अभी चलते हैं लाइव देखते हैं, मतलब लाइव लगाते ना कि भाई हॉटस्टार चालू करते हैं। इंडिया हार गई भाई, वो भाई तो भाई देखो अभी मैच देख रहे थे हम लोग भाई, अब नहीं जीत पाएगी भाई इंडिया, हार कोई चांस ही नहीं जीत जाए भाई। हम लोग ने सोचा था इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, खैर कोई बात नहीं भाई, मेहनत बहुत लोग बहुत की है लोग भाई, मेहनत तो की है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जीतेगी तो एक ही टीम, इस बार नहीं तो अगली बार आएगा। वर्ल्ड कप जीता 2019 वाला, और आज जिस कदर ये मैच खेला है, वन साइडेड, बड़ी टीम को लगती है कि जहाँ पे सामने वाली टीम है निहत्थी सी हो गई है। हो चुकी है शाम, और इंडिया का जो इंडिया इंग्लैंड का मैच था भाई, वो इंडिया हार चुकी है। कितने रन से हारी भाई? रन से नहीं, विकेट से हारी, विकेट से हारी, सॉरी 10 विकेट से हारी, मतलब एक भी विकेट नहीं गया। तो खैर कोई नहीं, मैच होता जाता है भाई। तो कैसे भी रात के बज गए हैं 9:10,
तो जो कुछ भी था ब्लॉग में आज के वो सब दिखा दिया, अपना शॉर्ट ब्लॉग जो रहता है भाई। तो फिलहाल इस ब्लॉग को ही पे करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।